सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं पुष्प अर्पित करके किस तरह से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल सारांश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी के माध्यम से आप तक लेटेस्ट जानकारियां पहुंचती रहेंगी। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं। वे जहां सृष्टि के लय करता है वहीं अत्यंत दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले भी हैं। भक्तगण इनकी सर्वाधिक पूजा आराधना करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को विभिन्न वस्तुएं चढ़ाने पर वे अलग अलग फल प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं, भगवान भोलेनाथ को धतूरे के फल चढ़ाएं, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को दूर्वा चढ़ाने से आयु में वृद्धि होती है। यदि भोलेनाथ को हर सिंगार का फूल चढ़ाया जाए तो धन संपत्ति में वृद्धि होगी। भगवान शिव को पूजा के समय चमेली का फूल अर्पित करने से वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप शिव जी को कनेर का फूल चढ़ाएं तो आपको नए कपड़ों की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से आंकड़े के लाल और सफेद फूल अर्पित करें, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा के समय भगवान शिव को बेला के फूल चढ़ाने से सुशील और सुंदर पत्नी मिलती है। महादेव को जूही का फूल अर्पित करें, आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। कीजिए इन उपायों को और बनाइए अपने जीवन को समृद्ध। धन्यवाद।